हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी है और हम झारखंड बोकारो डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो मेरे जितने न्यू फ्रेंड्स अभी तक हमको सपोर्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इतना ज़्यादा प्यार दीजिए कि ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे आगे बढ़ पाए। यार इतना तो सपोर्ट कीजिएगा ही ना। तो आज का आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारा मिनी ब्लॉग में, मतलब मेरे मिनी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। जैसा कि आज का वीडियो आप लास्ट का देखे जो अपलोड मॉर्निंग में ही हो चुकी थी, है ना? मॉर्निंग तो हुआ क्या, रात भर हम एकदम नहीं सो पाए, बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। क्यों? क्योंकि मेरे घर में नन्हा सा एक बेबी, छोटू सा मेरा भतीजा आया है, जो कि हम बहुत जल्द आप सभी को उससे मिलवाएंगे, ठीक है? बट उससे कब मिलवाएंगे, जब हम घर जाएंगे। तो घर जाने में तो अभी थोड़ा टाइम है और हम बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हैं और इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, इतना ज्यादा कि रात भर हमको नींद नहीं आया, जिसकी वजह से देख सकते हैं अभी भी थोड़ा नींद नींद सा लग रहा है। और ये मतलब दिल कर रहा है कि देखे। उसके बाद भी पता है, रात भर जगे, बातचीत किए, मम्मी को लाइन पे ही रखे थे, मम्मी पापा, पापा तो गांव में मतलब घर में नहीं है, हम भी घर में नहीं है, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। जो रात का 2 बजे से लेके सुबह का 7 बजे तक कॉल में ही थे। उसके बाद हम 2 घंटा के लिए सोए, उसके बाद फिर उठे, फिर जल्दी जल्दी नहाए, फ्रेश हुए, नाश्ता बनाया, नाश्ता किए, खाए पिए। उसके बाद फिर पूरा रिक्वेस्ट करने लगे कि मम्मी जल्दी फोटो भेज दो यार, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हम मेरा भतीजा है, हमको तो मन कर रहा है देखने का। लेकिन लो, इतना बोलने के बावजूद भी आप सभी को पता है हमको कितना ज्यादा वेट करना पड़ा, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। तब जाके मेरे भैया वो फोटो निकाला और 2 फोटो दिया है भगवान। जब हम फोटो देखे ना, बाबू का, अपना भतीजा का, दिल एक होता है ना फुआ का, जो पिघल जाना, एकदम पूरी तरह से पिघल गया। हमको बहुत मन करने लगा कि जल्दी से जल्दी हम अपने भतीजा के पास जाएं और उससे मिले और ढेर सारा किस्सी ले उसको और बहुत सारा प्यार करें। बस क्या बोलते, जो 6-7वां दिन जो नाभि रहता है वो झड़ेगा। तो हम बोले भाभी को कि ज्यादा दिन नहीं, तुरंत आ जाएंगे, 6ठी जब होगा उन मतलब भतीजा का, उस टाइम आ जाएंगे, ऐसे करके। तो अब जल्दी से जल्दी हो जाए। और ये देखिए, मेहंदी, नींद नहीं लग रहा था बट फिर लाइन में बातचीत कर रहे थे और साथ में मेहंदी भी लगा रहे थे, इतना ज्यादा। ये देखिए कैसा लगा मेरा मेहंदी, आप सभी जरूर हमको बताइएगा। और ये मेहंदी का कलर सावन पे ही मेहंदी लगाना चाह रहे थे, लेकिन सावन में हुआ क्या था, घर से आए थे, आप सभी तो देख ही लिए थे वीडियो, घर से आए उसके बाद रात में खाना पीना बनाए और सोए, पहला ही सावन में हो गया काम, कांड हो गया। कांड ये हुआ कि सावन में सब कोई सुबह सुबह पूजा करने गया और हम है कि मस्त घोड़ा बेच के 11-12 बजे तक सोए ही रह गए। 11-12 बजे तक सोने सोने के बाद भी उठे तो एकदम नींद, तो उसके वजह से हम मेहंदी नहीं लगा पाए थे। तो हम सोचे कि क्यों ना ऐसे जगह ही है तो क्यों ना एक हाथ में मेहंदी लगा लिया जाए। तो एक हाथ में हम मेहंदी लगा लिए और ऐसे तो सुबह सुबह लगभग कितना बजे के आसपास में हम लगाए होंगे, कितना टाइम होता होगा, हो रहा था बट ज्यादा टाइम नहीं, यही कि रुकिए यार, ये कैमरा भी ना समझ ही नहीं आता है कैसे पकड़ा, हाँ ये ठीक है, तभी से हमको समझ नहीं आ रहा था तो हाँ 3, 3:30, 4 ऐसे करके, वैसे तो बहुत टाइम तक बातचीत किए बातचीत किए। उसके बाद फिर 5 बजे से स्टार्ट किए मेहंदी लगाना, सो 5:30 तक हो गया था, आधा घंटा लगा था। हमको पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि हम मेहंदी किस स्टेप का लगाए, तो फिर सोचे कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा ही लगा देते। तो ये देखिए मेरा मेहंदी का कलर। तो
अभी तो हम बहुत एक्साइटेड है अपने भतीजा से मिलने के लिए, और आई होप आप सभी भी देखिएगा। तो हमको यकीन है कि आप सभी बहुत बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा मेरे भतीजा को। बहुत क्यूट है, जब हम देखे गोलू मोलू गोरा गोरा नारा चीता, यार भतीजा है, उसकी फुआ गोरी नारी है तो भतीजा तो रहेगा ही ना। तो हाँ, वो भी गोरा नारा गोलू मोटू गोल मटोल गाल रीड रीड एकदम टमाटर की तरह हाय, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट सा, प्यारा सा, ऐसे करके फोटो खिंचाया था, अभी से ही पोज मार के फोटो लेता है वो, सोच सकते हैं। तो बस अब इंतजार है कि जल्दी से जल्दी हम घर जाएं, उसके बाद फिर अपना प्यारा प्यारा सा भतीजा से मिलेंगे। और आप सभी को पता है हम अपना भतीजा का नाम क्या दिए हैं, गेस कीजिए। वैसे दो नाम है, दो नाम में हम एक आप सभी को बता देते हैं, ठीक है? अदिदेव, और मेरी भाभी का कहना है अदिदेव थोड़ा मतलब पुराना, उस सावन का टाइम में जन्म हुआ है ना भतीजा का, तो शिव भगवान के नाम से ही उसका नाम देंगे हम लोग, रखेंगे तो अदिदेव या फिर अदि अदिविवेक अदिविक आद्विक, हाँ आद्विक, भाभी का कहना है आद्विक नाम रखेंगे, नहीं तो अदिदेव। हम बोले आद्विक भी नाम सही है, अदिदेव भी नाम सही है, आपको जो अच्छा लगता है, और नहीं तो एक दो बार और नाम देख लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद जन्म कुंडली में ना देना है यार, उसके बाद फिर बाकी सब में नाम रहता है, तो अभी सोचने का टाइम है, तो आराम से सोचिए, चिल मारिए, मस्ती कीजिए और मेरा वेट कीजिए। और हम पता है पूरा पूछ पूछ के पूरा परेशान कर देते हैं कि मेरा भतीजा किसके जैसा दिखता है, क्योंकि हमको रात भर जगा के रखी है, फोटो भी नहीं हमको दी, तो हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम बोले कि मेरा भतीजा मेरे जैसा दिखता है ना, तो बोले हाँ आपके जैसा दिखता है, बट चीटिंग किया यार मेरे से, नहीं मेरे से बहुत क्यूट है बच्चा, नजर किसी का ना लगे मेरे भतीजा का। तो फ्रेंड्स आज का मिनी ब्लॉग में बस यही है कि मेरे भतीजा का पिक आप सभी का स्क्रीन में देखिए, हम फोटो अपना भतीजा का लगा दिए हैं, छोटू सा गोल मटोल सब मेरा भतीजा, कैसा लग रहा है आप सभी हमको कमेंट में बताइए, और ये बताइए कि मेरे भतीजा का नाम आप सभी को कैसा लगा, है ना? और अभी तक जितने कोई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ढेर सारा शेयर, ठीक है? बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जितना कोई अभी तक लास्ट वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट इतना ज्यादा हमको दीजिए, इतना ज्यादा कि जल्दी से जल्दी सातवें आसमान पे हम रहे, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।